हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है। क्या आपको पता है हमारे भारत देश की 5 सबसे अमीर अभिनेत्रियाँ कौन कौन सी हैं? क्या आपको पता है कि उनकी कमाई कितनी होती है? तो चलिए आज हम जानते हैं भारत की उन 5 सबसे अमीर और खूबसूरत अदाकाराओं के बारे में, जो अपनी एक्टिंग, अपनी कला के दम पर लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। टॉप 5 रिचेस्ट अभिनेत्रियों में से 5वें नंबर पर हैं आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। आलिया भट्ट टॉप 5 रिचेस्ट अभिनेत्रियों में से एक हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करण जौहर के साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 से की। 10 वर्षों में इन्होंने राजी, हाईवे, उड़ता पंजाब, डार्लिंग, डियर जिंदगी, कपूर एंड सन्स, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। इनकी पर मूवी का चार्ज लगभग 15 से 18 करोड़ रुपए होता है। इनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन, लगभग भारतीय रुपये में बात की जाए तो 320 करोड़ रुपये है। चौथे नंबर पर हैं अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या में हुआ था। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से 2008 में की। 13 वर्षों में इन्होंने बैंड बाजा बारात, जब तक है जान, अनस्टेन, सुल्तान, पीके जैसी कई सारी फिल्मों में अभिनय किया। इनकी शादी फेमस क्रिकेटर विराट कोहली से हुई है। इनकी पर मूवी का चार्ज 10 से 12 करोड़ रुपये होता है। इनकी नेटवर्थ $60 मिलियन, लगभग 480 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर हैं दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम से 2007 में की। इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, बाजीराव मस्तानी, पद्मावती जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया। दीपिका पादुकोण की शादी फेमस क्रिकेटर रणवीर सिंह से हुई है। इनकी पर मूवी का चार्ज 15 से 30 करोड़ रुपए होता है। इनकी नेटवर्थ कुल संपत्ति $80 मिलियन, लगभग भारतीय रुपए में बात की जाए तो 630 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर हैं प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा सबसे अमीर 5 अभिनेत्रियों में दूसरे नंबर पर हैं। इनका जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, बिहार में हुआ। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा सबके नज़रों के सामने आ गई। इसके बाद इनको 2016 में नेशनल फिल्म अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2003 में द हीरो से की। इसके बाद इन्होंने फैशन, बर्फी, 7 खून माफ, बाजीराव मस्तानी, डॉन जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में की। इनकी पर मूवी का चार्ज 15 से 30 करोड़ रुपए होता है। इनकी नेटवर्थ $20 मिलियन, लगभग 720 करोड़ रुपए है। टॉप 5 रिचेस्ट एक्ट्रेसेस में से टॉप की अभिनेत्री हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड रिचेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडिया। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर के कर्नाटका स्टेट में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से की। इसके बाद इन्होंने हम दिल दे चुके सनम, देवदास, रेनकोट, गुरु, जोधा अकबर, ऐ दिल है मुश्किल जैसे सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। इन्होंने आज तक 5 भाषाओं में लगभग 50 फिल्मों में काम किया। इनकी पर मूवी का चार्ज 10 करोड़ रुपए होता है। इनकी नेटवर्थ $110 मिलियन, लगभग इंडियन रुपये में बात की जाए तो 870 करोड़ रुपये है। तो ये थी 2022 की 5 सबसे अमीर और खूबसूरत अदाकाराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजफुल और मज़ेदार वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।